हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है, रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स एंड हियर दे आर। तीन से चार ऑब्जेक्ट्स हम लेने वाले हैं, एग्जैक्ट नंबर मैंने अभी नहीं डिसाइड किया है। ये है स्टारलाइट, ये है एवरीडे विच टैरो एंड ये है फेरी टेल ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एवरीडे विच टैरो से। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है भाई, हर रोज़ की जो हमारी एनर्जीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से भाई जो भी रीडिंग हमें आता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बाकी जनरली जितना रेजोनेट करता है आपसे आप उतना ले लीजिए। कई बार बहुत ज़्यादा रेजोनेट होता है, कई बार एक दो कार्ड रेजोनेट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेजोनेट होता नहीं। आज के लिए आपके लिए बस उतने ही मैसेजेस थे फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, तो चलो मैंने कुछ कार्ड्स पिक कर लिए हैं एंड हियर दे आर। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। जो पहला कार्ड है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो और ज़्यादा ख्वाबों में, ख्यालों में खोने की कोशिश कर रहा है। मे बी कुछ सपने हैं इसके जो पूरे नहीं हुए हैं, उसके प्रिपरेशन में ये पर्सन जुटा हुआ है। सैटरडे संडे तो यस आ ही गया है, तो उसमें अगर उसके कुछ सपने पूरे हो सकते हैं तो उसकी प्लानिंग इनिशियली अपने मन में ये पर्सन करने का सोच रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सन आपको घुमाने का या फिर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। आप ऑकवर्ड ना फील करें, ये पहली बात है। मे बी आपके लिए कोई गिफ्ट भी शायद ये पर्सन खरीद चुका है और अब आपको एक गिफ्ट देने के बारे में ये पर्सन फाइनली सोच रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। व्हाट अ साइन है यहाँ पे, ये अपने दिल की हालात आपको धीरे धीरे करके बयां करना चाहता है। दैट इज़ अ स्मॉल थिंग, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग एज वेल। बात यह है कि जब ये ऐसी कोशिश करता है तो क्या आप इसकी कोशिश को सराहते हैं या नहीं, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये आई थिंक कई बार इस पर्सन को लग सकता है कि ये जो चीज़ करता है थोड़ी बहुत गलत होती है। जैसे कि मान लो कोई गिफ्ट खरीद लिया आपके पास पहले से, वो गिफ्ट है या फिर उसको नहीं पता था दैट यू हैव एलर्जी विद दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके यू नो। तो ऐसे में कुछ चीज़ें अगर ये इधर उधर करता है तो आपको बेसिकली इसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। और इसके बारे में पर्सन लगातार सोच रहा है, लगातार सोचने की आदत इस पर्सन को हो सकती है। इमोशंस हैं, वाटर साइन है, तो ये भी हमें यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो ज़्यादा सोचने के कारण जो इसकी हालत हुई है, एज यू कैन सी मंडे टू फ्राइडे अगर ये यही सोचते आ रहा है ये क्या करे कैसे करे वगैरह, तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दैट। अगर अभी तक इस पर्सन ने एक छोटी सी पार्टी नहीं दी या फिर नहीं अटेंड की है तो शायद ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दोनों मिलकर एटलीस्ट दोनों को एक दूसरे को एक छोटी सी पार्टी दे, चाहे फिर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाए या फिर बस मिलके गाना सुने। इससे इनका जो मूड है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। आई थिंक ये पर्सन आपके चेहरे पे खुशी चाहते हैं और उस खुशी के लिए क्या कर सकते हैं ये सारी बातें सोच रहे हैं। बट आई थिंक ये गलत कहाँ पे हो जाते हैं कि जो चीज़ किसी और के लिए सही है वो चीज़ आपके लिए गलत भी हो सकती है। जैसे कि मे बी किसी को इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है और आपको नहीं पसंद, तो अगर उसने वो फंडा अपनाया तो आपके यहाँ पे वो फंडा फेल हो जाएगा। तो वही बात इस पर्सन को अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है फाइव ऑफ वॉन्ट्स, एरीज लियो साज। आई थिंक जो एडवाइस इस पर्सन को मिलती हैं चाहे वो दोस्त के थ्रू हो, कलीग्स के थ्रू, वो सही नहीं है, यू नो, या फिर वो एडवाइस आपके ऊपर फिट नहीं बैठती। अब या तो वो लोग आपको जानते हैं और जानबूझकर ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, या तो फिर उनको लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो आपके साथ सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली शायद वो गलत हो रहा है। और इसी कारण ये पर्सन जो है वो अपने दिल की जो फीलिंग्स है वो सीधे तौर पर आपके सामने नहीं रख पा रहा है। नेक्स्ट वी गॉट द हैंग्ड मैन, यहाँ पे कार्ड जो आ चुका है। नाउ द हैंग्ड मैन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इसको क्या करना है। क्या जो उसने तय किया है आपको एक गिफ्ट देना या फिर आपके सामने अपने दिल की बातें रखना, रूबरू होना, या फिर और जो भी चीज़ें जो उसने प्लान की हैं क्या वो किसी हद तक कंप्लीट हो सकती है या नहीं, इसके बारे में इसको नहीं पता, ना ही इसने कोई एक एक्शन ली है।
किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। अगर आपके पास समय है तो सोने पे सुहागा, नहीं है तो नेक्स्ट ट्राई करने के बारे में भी ये पर्सन सोच सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे इसका चेहरा मायूस हुआ तो आप झट से जान जाओगे हाँ भाई ये पर्सन बहुत सोचता है मेरे बारे में। द लवर्स यानी कि जेमिनी कार्ड यहाँ पर आ चुका है एंड ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं रात के मतलब आपके बारे में सोचना या फिर ख्यालों में आपके बारे में ख्याल बुनना, वो चीज़ें सारी यहाँ पे चलती ही रहती हैं। अगर आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो आई थिंक ये सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि आपके साथ भी हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये हैं थ्री ऑफ कप्स यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर। और मेरे हिसाब से अगर आप दोनों की ज़िंदगी में सब कुछ सही हो रहा है तो ये एक मोमेंट है, मे बी आप दोनों किसी न किसी प्रकार से सेलिब्रेट कर चुके हैं, कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो आने वाले कुछ लम्हे हैं या फिर चंद घंटे हैं आपके लिए काफ़ी सही रहेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज लियो सैज, ठीक है। अगर आप दोनों की कुछ प्लानिंग है तो आप किसी और को शामिल ना करें लाइक अपने फ्रेंड्स को वगैरह, तो आप दोनों के लिए सही रहेगा। हालांकि अपने बेस्ट फ्रेंड को आप इसके बारे में ज़रूर बता सकते हो, तो वो कुछ एडिशन आपको बता सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द चैरियट, कैंसर का साइन कर्क राशि। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है नेक्स्ट या फिर किस तरह से आपको कोई मूवमेंट स्पेंड करना है, इसके बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं फ्रॉम योर फ्रेंड्स और इवन फ्रॉम योर सिबलिंग्स। वो आपको बता सकते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट सही रहेगा या फिर अब इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट आपको क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन टू द स्टार लाइट, देखते हैं स्टार लाइट में हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। ये दो कार्ड आ गए यहाँ पे, देखते हैं क्या है। देखो पहला जो कार्ड है वो है डेस्टिनी, इज नॉट इन द स्टार्स बट इन योरसेल्फ, यानी कि डेस्टिनी आप दोनों की हाथ में अगर आपको लग रहा है तो आप दोनों एक दूसरे के प्रति सजग हो सकते हो और अपनी डेस्टिनी बहुत करीब ला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यही मौका है अपने दिल की बात शेयर करने का, तो यस दैट इज़ द मोमेंट फॉर यू। लिमिटलेस यानी कि नो योर वर्थ, कि भाई आप दोनों की वर्थ है, आप दोनों एक दूसरे को अगर चाहते हैं तो इससे कोई अच्छी और बड़ी बात हो ही नहीं सकती, इसको आपको जानना है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है रिप्लेनिश, यानी कि द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन, ये भी अगर आज ना हो पाए तो कोई बात नहीं, कल परसों आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। इटर्निटी गिव योरसेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे ऊपर और ऐसे में बहुत ज़्यादा एनर्जीज यूटिलाइज करते हैं, तो ये नहीं करना है, इसके बारे में ये कार्ड है। देन गॉट नॉर्थ स्टार यानी कि होल्ड योर ग्राउंड एंड शाइन ब्राइट एंड अनवेवरिंग, यानी कि भाई आपको अपने मन के ऊपर विश्वास होना चाहिए और इस पर्सन को भी विश्वास है कि एक ना एक दिन आप इसकी बात ज़रूर समझ जाओगे कि क्यों ये पर्सन आपको इतना चाहता है। नेक्स्ट इज़ रेडिएट, यानी कि भाई लेट योर लाइट शाइन थ्रू, इनकी हंसी हो या फिर इनका हार्ड वर्क हो वो सभी जगह पे दिखता है, और यही बात है कि क्यों आप इसके दीवाने हो सकते हैं। न्यू बिगिनिंग्स यानी कि फ्रॉम केओस कम्स काम, कहीं ना कहीं पे अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये पर्सन ज़रूर आपको हेल्प करेगा। देन यू गॉट टेक चार्ज, डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज देम द वे यू वॉन्ट, यानी कि भाई ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने हिसाब से अपनी दुनिया आपको बदलनी है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वह डिस्कवर यानी कि स्पॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लायक है, बस आपको उसके तरफ भागना है, दौड़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं लेता हूँ ये फेरी टेल ओरेकल, दो कार्ड्स आ चुके हैं, क्या है ये है कनेक्शन एट अ सोल लेवल एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है डिटर्मिनेशन। आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सन ये समझ चुका है कि उसकी और आपकी फीलिंग्स ऑलमोस्ट एक जैसी हैं और इसलिए वो आपको पाना चाहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहीं ना कहीं उसके दिल में ज़रूर चल रहा है, हालांकि आप दोनों अगर बात करना चाहते हो एक दूसरे से तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं तो जब आप दोनों को सही समय मिलेगा या फिर लगेगा कि ये राइट मोमेंट है कि मुझे अपने दिल की बात, दिल की हालत इनसे एक्सप्रेस करनी है, तब आप दोनों मिलके ये चीज़ें एक दूसरे को बयां कर सकते हो।
डिटर्मिनेशन का मतलब है कि पर्सन तय कर चुका है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर दिल वो आपको दे चुका है तो हाँ, दिल की हालत वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहता है, यानी कि अब तक जो हुआ उससे कुछ अलग वो चीज़ें करने की कोशिश कर सकता है। थिंग्स मूविंग क्विकली, यानी कि अब तक अगर उसने मौका ढूंढने में ही समय गवाया हो तो शायद अब वो जल्दी कर सकता है। किसी न किसी हालत में आपको अपने दिल की बातें ज़रूर बयां कर सकता है। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है कहीं ना कहीं अगर आपको ज़रूरत है या फिर इस पर्सन को आपके इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है तो आप इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करोगे। किसी न किसी रूप से आपके अंडरस्टैंडिंग में आ ही जाएगा कि दैट दिस पर्सन रियली नीड्स योर सपोर्ट, और ऐसे में अगर आप इसको हेल्प करते हो तो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। लाइट हार्टेडनेस ये है नेक्स्ट कार्ड, देन वी गॉट पैशन एंड फाइनल वी गॉट इज फ्रूशन। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अगर सच में इसको आपकी ज़रूरत है तो कैसे ना कैसे करके आपको पता ज़रूर चल जाएगा दैट दिस पर्सन रियली लव्स यू, और ये आपको उतना ही प्यार करता है जितना कि एक राइटफुल व्यक्ति यानी कि जो सच्चे दिल से प्यार करता है वो कर सकता है। तो हाँ, फाइनली आप भी इसके प्यार को देख के हाँ कह सकते हो। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो इसको रोकने वाला कोई है नहीं। तो ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।